caiga, ¿no? पुलिस मौके पे आई है, ये इनके ऊपर कार्रवाई करे गाड़ी वालों के। अब बच्चा अच्छा हुआ कि कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, घायल हुए सारे बच्चे, और ये हमारा गुस्सा जाए जाए। जब रहने के लिए क्वार्टर ले रहे और गाड़ियां लगा रहे सड़कों पे, तो किसने बोला कि गाड़ियां खरीदो आप और सड़क में लगाओ? कोई भी गाड़ी क्या लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए सड़क में। धन्यवाद। या तो पार्किंग बनाए ना अपनी, जब गाड़ियां नहीं है लगाने के लिए पार्किंग नहीं, तो गाड़ियां क्यों ले रहे क्वार्टरों में? सड़क किनारे लगनी नहीं चाहिए, सड़क के किनारे गाड़ी लगनी नहीं चाहिए। चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे जो मर्जी हो, यहाँ के लोग भी है, उन्होंने भी अपने लिए ठिकाने बनाए गाड़ियाँ लगाने के लिए। आपकी बात को पहुँचाया जाएगा। तो क्या लग रहा है शुरुआती कारण यही लग रहा है कि गाड़ियों की पार्किंग? बिल्कुल गाड़ियों की वजह से है ये रोड इस तरह से बनाया गया कि बस पूरी तरह से क्रॉस हो सके, यहाँ तक यहाँ छोटी गाड़ी क्रॉस हो सकती है बस के साथ, लेकिन कारण क्या है कि गाड़ियाँ लगी हैं साइडों में, तो दूसरी तरफ से अगर कोई गाड़ी आएगी तो क्रॉस ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां पहले ही इन्होंने लगाई हुई है सड़कों पे, क्रॉस कहाँ से होना है? अभी दिक्कत है, आगे आगे और बढ़ती जाएगी, अगर आज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में तो सारा बस ही बंद हो जाएगी यहाँ इस रोड में लगनी। तब बस ही बंद हो जाएंगे ना आनी यहाँ। कितने स्कूल के बच्चे थे इसमें जो अभी जा रहे थे, और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये? चर्च स्कूल के है जहाँ तक मेरे को पता है कि इस टाइम जो है चर्च स्कूल की बस जाती है। इसमें एक लड़की बहुत सीरियस हुई है और कंडक्टर को भी लगी है, थोड़ी दो तीन लड़कियों को और लगी होगी, क्योंकि मैं तो अभी आया कि जैसे मेरे को पता चला, क्योंकि मेरे कज़न की लड़की भी वहीं जाती है, पर ये भगवान का शुक्र है कि वो आज अपनी गाड़ी में गई है, इसलिए तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसके लिए हमारे को खेद है, और ये सारा कारण सिर्फ गाड़ी वालों की वजह से, और कोई कारण नहीं रहा इसमें। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो MLA है वो भी जरा मौके पर आके थोड़ा सा जायजा ले, और जितने गाड़ियाँ लगाई है इनके सारे परमिट जो है सही, या तो इनके डिस्कनेक्ट कर दिए जाए।